अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नान। दोस्तों नान को किस तरह से बनाएं उसके लिए मैंने कुछ सामग्री ले रखी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं नान। सबसे पहले मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डालना है। एक चम्मच शुगर डालनी है। चार बड़े चम्मच घी डालेंगे। और हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। हमें बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, आधे चम्मच से भी कम। दोस्तों मैं हाथ से ही मिला रही हूँ, हाथ से अच्छी तरह से मिल जाता है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से मिल गया है। ये सब मिलाकर मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी दही पूरा भर के। फिर हम इसको हाथों की सहायता से गूंथ लेंगे। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से सब मिल गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथ से गूंदेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से मिल गया है। ये हमें इस तरह से इसे गूंद लेना है। एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरह से हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम इसको गूंथकर 1 से 2 घंटे के लिए सूती कपड़े से ढककर रख देंगे। ये देखिए दोस्तों आटा हमारा अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी का हाथ लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं। इस तरह से देखिए दोस्तों अब हम इस पर एक सूती कपड़ा ढक देंगे। इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे, तब इसकी रोटियां बनाएंगे नान। आइए देखते हैं दोस्तों आटा हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। ये देखिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं नान। ये देखिए दोस्तों मैंने एक भारी तले का तवा इस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है मैंने। अब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब तक हम रोटी बनाते हैं। हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों हम हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलन की सहायता से देखिए इस तरह से हम थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। फिर हम इसको बेलेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पानी लगा लिया है। मैं इसको पानी की ही तरफ से तवे पे डालूंगी। ये
सोचते हैं कि नान गैस पे कैसे बन सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही आसानी से गैस पर ही इसे बना सकती हूँ। हमें इसको उछेलना नहीं है, छुटाना नहीं है, इसको तवे को उल्टा कर देना है। हल्के आँच से हमें इसको तवे को पूरा रखना नहीं है गैस पर, थोड़ा सा उठाकर रखना है, पूरा घुमा घुमा के हमें इसको सेकना है। हमारी नान बन चुकी है। अब हम इसको चम्मच से खाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारी नान बन चुकी है। ये देखिए बिल्कुल होटल जैसी नान। दूसरी लोई बना लेंगे, दूसरी भी नान ऐसे ही बेलेंगे। फिर सेम तरीके से जैसे ही बनानी है, ठीक है। पानी लगाएंगे, आप चाहे तो नीचे रखकर भी पानी लगा सकते हैं या हाथ पे रखकर लगा सकते हैं, पर पानी लगाना बिल्कुल ना भूलें भूलें वरना हमारे नान अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए को भी हम सेम तरीके से देख लेंगे, घुमा घुमा कर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई है। इसी तरह से हम सारे नान बना लेंगे, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बन गए हैं बिल्कुल होटल जैसे नान। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।